बनाता है और अनुशासन से जो काम किया जाता है उससे धर्म की उत्पत्ति होती है। तो कोई भी व्रत करना हो, पाठ करना हो, तो अपने मन से नहीं करना चाहिए, बड़े गुरुओं की आज्ञा लेकर करना चाहिए। व्रत करने में, पाठ करने में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। स्त्री पुरुष दोनों ही मंगलवार का व्रत और सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, परंतु उसमें किसी न किसी बड़े की आज्ञा होना जरूरी है। एक बात पूरी है, दूसरा प्रश्न है कि महात्म्य बोध के बिना भक्ति होना संभव है क्या, और गोपियों को महात्म्य बोध था क्या? श्री वल्लभाचार्य महाराज ने जो भक्ति की परिभाषा दी है वो है महात्म्य ज्ञान पूर्वस्थ सुदृढ़ सर्वतोधिका स्नेहो भक्ति रीति ख्याता तया मुक्तिर न चान्यथा। महात्म्य का ज्ञान हो और सबसे अधिक स्नेह हो और वो स्नेह सुदृढ़ हो, अटूट हो, तो उस स्नेह को भक्ति कहते हैं, उस भक्ति से मुक्ति मिलती है। तो महात्म्य बोध जो है श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने, ये पुराण का वचन है,
उसको उद्धरते हैं। तो बिना श्रवण के, बिना महात्म्य ज्ञान के आज कोई भक्ति कैसे करेगा? पहले तो उसको भगवान का नाम ही सुनने को चाहिए, ये भगवान का रूप है ये भी मालूम होना चाहिए। और भगवान ऐसे 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 होते हैं, महात्म्य का ज्ञान भी होना चाहिए। परंतु गोपियों के बारे में ये नियम लागू नहीं किया जा सकते। जब भगवान सामने नहीं रहते हैं तब प्रश्न उठता है कि आज हम 5 वर्ष पहले जो था उससे प्रेम कैसे करें? वो सुंदर था कि मधुर था कि मुस्कुराता था कि प्रेम से देखता था? आज भी सुंदर है, मुस्काने वाले हैं, देखने वाले हैं, आज वाले को छोड़ करके तब वाले को क्यों करें? तो तब श्री कृष्ण के महात्म्य का ज्ञान होना चाहिए। नित्य निकुंज में जहां राधा कृष्ण विहार करते हैं वो निकुंज भी नित्य है, वहां जो पीक दानी है वो भी नित्य है, जो फूल की सज्जा है वो भी नित्य है। नित्यता का ज्ञान भी महात्म्य का ही ज्ञान है, सौंदर्य का ज्ञान भी महात्म्य का ही ज्ञान है। लेकिन जिस समय भगवान का अवतार होता है और भगवान सर्वथा प्रत्यक्ष रहते हैं, वो आते इसलिए है कि जिसको भगवान का ज्ञान न हो, महात्म्य का ज्ञान न हो, उसका भी कल्याण हो। अवतार काल जो होता है वो महात्म्य ज्ञान की शर्त नहीं रखता है। उस समय जो भगवान की अनंत अचिंत्य अपार करुणा है वो अपना काम करती है। करुणा न होती तो सातवें आसमान से धरती पर क्यों आते? निराकार से साकार क्यों होते? निर्गुण से सगुण क्यों होते? असंग से संबंधी क्यों होते? तो भगवान का जो अवतार होता है वो करुणा करके होता है। और भगवान की लीला ऐसी है, करुणा की लीला, निस्साधन दुस्साधन सुसाधना नाम अतीह गति रेखा सैषा श्रीपति लीला नुग्रह नामनी सदा देती। भगवान का खेल ही ऐसा है कि कभी बहुत साधन करने पर मिलते हैं, कभी साधन न करने वाले को भी मिल जाते हैं, जिसका नाम अनुग्रह लीला है, और कभी कुसाधन करने वाले को भी मिल जाते हैं। अनुग्रह जो है वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर बरस पड़ता है। कृपा, भगवान की कृपा। तो भागवत में सब गोपियों को ज्ञान था ये कहना कठिन है, और सब गोपियों को ज्ञान था ये कहना भी कठिन है। तब फिर गोपियां कई तरह की हो गई। एक नित्य सिद्ध गोपी है जो गोलोक से आए हैं, वो ज्ञानवान खुद नहीं जानती, प्रेम ही जानते हैं, भगवान को ही जानते हैं। एक गोपी ऐसी है जो साधन सिद्ध है, साधन करके गोपी बनी है, वो भी जानती है भगवान को। एक गोपी ऐसी है जिनके मन में श्री कृष्ण के प्रति काम ही काम है, मुर्दा है, प्राप्त जौवना है, अनेक भेद उनके होते हैं। आओ थोड़ी सी गोपियों की चर्चा करते हैं। एक गोपी बोलती है, देखो नखलो गोपिका
नंदनो भवान अखिल देहिनाम अंतरात्मदृक् विखन सार्थितो विश्व दुस्तरे सफौ देवान शाश्वताम कुले। तुम केवल गोपी कुमार नहीं हो, तुम तो संपूर्ण जीवों के हृदय में, प्राणियों के हृदय में रहने वाले अंतरात्मा के दृष्टा हो, सबके हृदय के साक्षी हो। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विखनता पिता, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से विश्व की रक्षा के लिए मेरे मित्र तुम जगवंश में पैदा हुए हो। जो तो इस गोपी को श्री कृष्ण के भगवत्व का ज्ञान है और श्री कृष्ण से प्रेम करती है। दूसरी गोपी के बारे में सुनो, भगवान कहते हैं कि इनको तो ज्ञान ही नहीं था। मत्कामारमणम जारम अस्वरूप विदो बलाहा ब्रह्ममाम परमं प्रापुः संगात शतशास्त्रता। वो तो केवल मुझे चाहती थी और मुझे समझती थी अपना प्यारा, अपना रमण, अपना यार। मेरे स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उनकी जो आसक्ति हुई मुझसे, उन्होंने सुंदर समझ के, प्यारा समझ के, रमण समझ के हमसे आसक्ति की, हमसे प्रीति की। लेकिन प्रीति किससे की? राक्षस से प्रीति करोगे तो कुछ और होगा, दैत्य से प्रीति करोगे तो कुछ और होगा, भले मानुष से प्रीति करोगे तो कुछ और होगा। भगवान से यदि साक्षात भगवान हो और न जाने और उनसे प्रीति हो जाए, सामने हो खड़े, हम उनको आंख से देख सकें, उनसे बात कर सकें, उनकी बात सुन सकें और वो स्वयं भगवान हो, हम पहचानते ना हो तो क्या? जिस समय भगवान प्रकट होते हैं उस समय अनुग्रह ही, पुष्टि ही, कृपा ही भगवान को प्रकट करती है। और उनके प्रकट होने का अर्थ ही है कि चाहे उनको पहचाने कोई और चाहे न पहचाने, उसका कल्याण हो जाता है। मत कामारमणम जान अश्वरूप विदोबला ब्रह्म माम परमं प्रापुः संगात शत सहस्रतः। ऐसी तन्मय हुई गोपिया कृष्ण बोलते हैं, तानाविदन नई अनुसंग बद्ध स्वात्मान मदस्तथेदम यथा समादौ मुनयो भितोये नद्यत्रविष्टा इव नाम रूपे। जैसे नदी समुद्र में घुस जाती है तो उसके नाम रूप का लोप हो जाता है, जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनके नाम रूप का लोप हो जाता है, इसी प्रकार गोपियां मेरे अंदर लीन हो गई, उनको लोक पर लोक भूल गया, उनको अपना पराया भूल गया, वो तो मुझसे एक हो गए। ये भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी से भगवान बोल रहे हैं। तो ये जो ज्ञान अज्ञान की बात है, ये गोपियों के संबंध में लागू नहीं होते। जर ही अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्त क्षण क्वचिदरण्य जर प्रिय अस्त्राक्ष तत्प्रभृति नान्य समक्ष मंग स्थातुं तुलाभिरमिता बतकारयाम। गोपियां कहते हे कमल ने, ये प्रणय गीत है, हे कमल ने, लक्ष्मी जी आपके चरण तल का स्पर्श करते हैं,
आप बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मिलते हैं, फिर ऐसा हुआ कि हमने तुम्हारे चरणों का स्पर्श कर लिया। और उस दिन से हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम दूसरों के सामने जा ही नहीं सकते। तो यदि ये शर्त लगावे कि सब गोपियों को ज्ञान था, तो ये बात भी नहीं। भगवान केवल ज्ञानियों को मिले, अज्ञानियों को न मिले। वो ज्ञानियों के मालिक हैं, अज्ञानियों के मालिक नहीं है। वो धनियों को मिलेंगे, गरीबों को नहीं मिलेंगे। वो पंडितों को मिलेंगे, मूर्खों को नहीं मिलेंगे। वे सदाचारियों को मिले, दुराचारियों को नहीं मिलेंगे। ना ना, भगवान के बारे में ये भेद मत करना। अपि ते गति पापे ज्ञा सर्वे ज्ञा पाप कृतम। भगवान सबके हैं, सबके हृदय में है। भगवान सबको मिलते हैं। तो इसी से बताया, गोपियों की कहीं इतनी महिमा है। तदर्थ दुर्वर्तित सर्व कामा संत्यज्य सर्व विषया सर्वपादमूलम। सब कामना छोड़कर आई है, सब विषय भोग छोड़ के आई है। उद्धव जी कहते हैं कि इनके चरणों की धूल हमको मिल जाए। ब्रह्मा जी चाहते हैं इनके चरणों की धूल हमको मिल जाए। ये तो श्रुति विमृग्य है। एक और गोपियों की इतनी महिमा है, दूसरी ओर हम श्लोक पढ़ देते हैं। अर्थ कहना प्रेमा स्त्रिय गणचरीर व्यभिचार दुष्टा कृष्ण क्वतईश परमात्मनिरूढ भाव नन्द्र ईश्वर अनुभगतो अविदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगतराज इवोपयुक्त। कहा ये जातिहीन, ज्ञानहीन, आचारहीन दम की ग्वालिने और कहा श्री कृष्ण के चरणों में ऐसा अधिरूढ महाभाव। सत्य अज्ञानी से अज्ञानी पुरुष भी यदि श्री कृष्ण से प्रेम करे तो जैसे अनजान में पीने पर भी अमृत अमर बना देता है और अनजान में पीने पर भी दुष्ट मार डालता है, इसी प्रकार ये भगवान अज्ञानी से अज्ञानी को भी प्राप्त होते हैं। अंज पुंसाम अभिदुषाम बुद्धि भागवतान अंज पुंसाम अभिदुषाम। अज्ञानी से अज्ञानी हो भगवान उसका कल्याण करते हैं। इसी से अजामिल आदि का जो प्रसंग है ना, वो लोगों की समझ में नहीं आता, क्योंकि अजामिल का उद्धार अजामिल की भक्ति से नहीं है। बिल्कुल अनजान अपने बेटे का नाम लेता है। अरे भाई, भगवान की करुणा भी कुछ है कि सब कुछ भक्त की भक्ति है। भक्त का बोध ही सब कुछ नहीं है, भक्त की भक्ति ही सब कुछ नहीं है। एक भगवान है और उनकी करुणा बरसती है। ये जीव नन्हा सा है और शरीर के पिंजरे में बंद है। इसके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि ये उड़ के सातवें आसमान में जाके भगवान से मिले। वो भगवान का अनुग्रह है। जो व्यक्ति में है उड़ के भगवान के पास जाए, और जो समष्टि में है वो क्या जीव के पास नहीं आए। अज्ञानाद स्वाज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जप संकीर्तित मघम पुंसाम दहे दे भो यथा नलहा। जैसे आजीवन को जला देती है, वैसे ज्ञान में अनजान में कैसे भी भगवान नाम का उच्चारण हो। आपका क्या ख्याल है, पूजा तो भगवान के महात्म्य का ज्ञान था। अरे हंसी मत उड़ाओ भाई, उसके सिद्धांत को समझो।
जाकर कुसाधना थी, कुसाधना जाति से भी उत्तम नहीं, शरीर से भी उत्तम नहीं, कर्म से भी उत्तम नहीं, उद्देश्य से भी उत्तम नहीं। संत के शरीर में अंगराग लगाने के लिए जा रही थी, न उसको ईश्वर का पता न जीव का पता। देखो तो उस भगवान की ओर जो स्वयं जाके छेड़ देते हैं, अरे और ही सुंदरी, आप खुद जाकर सुंदरी कह सकते हैं? नहीं, भगवान उसको सुंदरी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे अनुग्रह का प्रागभाव इसके अंदर विद्यमान है। अनुग्रह का प्रागभाव मेरे आगे इस पर अनुग्रह होने वाला है, ये हमारी होने वाली है, भगवान को मालूम है कि आगे हमारी होने वाली है, तुझे तो मालूम नहीं है। ये होता है अनुग्रह। तो जिस समय भगवान का अवतार होता है वो लोगों का उद्धार करने के लिए ही होता है। ये प्रश्न राजा परीक्षित ने प्रारंभ में ही किया है। आप यदि राज संजाध्यायी पढ़ते हो, क्योंकि गोपियों के बारे में आपने प्रश्न किया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म दया मुने गुण प्रवाहो परवस्ता गुणधियाम कतम। पहले ही प्रश्न है राज संजाध्याय में राजा परीक्षित का कि वो कृष्ण को पहचानती ही नहीं थी, उन्हें प्राकृत गुणों से मुक्ति कैसे मिली। और सुखदेव जी ने डांट दिया, उत्तम पुरस्कार एतत्ते चैद्यस्य भिन्दथागता द्विषन्नति हृषीकेशम् किमुताधोक्षजप्रिया नृणाम् निःश्रेयसार्थाय यत्र भगवतो नृपो निर्गुणस्या प्रमेयस्य। तो गोपियों के ज्ञान अज्ञान को मत देखो, भगवान की जो करुणा है स्वच्छंद उत्तृंखल करुणा, कोई उसका नियामक नहीं है। करुणा न हो तो भगवान का कोई अर्थ नहीं होता है, होगा कोई निर्गुण परमात्मा, होगा कोई निराकार परमेश्वर, होगा कोई अभारतीय ईश्वर, अभारतीय लोगों के द्वारा कल्पित ईश्वर, जिसमें कृपा नहीं होगी। सब पूछो तो अगर भगवान में करुणा न हो तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अपने कर्म से जब उतरेंगे पार तो फिर हम सरकार सरकार तुम चाहे थे मनमुखा आए। श्रीमद् भागवत में भगवान की लीलाओं का इस दृष्टिकोण से वर्णन होता है। छोटी सी लीला आपको सुनाते हैं, आपको मालूम है, आपने कई बार भागवत में पढ़ा होगा, दूसरों से सुना होगा। यशोदा मैया ने एक दिन भगवान को, श्री कृष्ण को, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनको मूफल में रस्सी से बांध दिया। पूछो भाई, वेदांतियों से पूछो क्या है, आर्य समाजियों से पूछो कहेंगे गपोड़ा है। आर्य समाजियों के मुंह पर गप शब्द ज्यादा रहता है, ये गप पुराण है, कपोल कल्पित है। अब आप एक दृष्टि देखो, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि नंद यशोदा ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि वो गोद में लेकर भगवान को खिलाते हैं, साथी लेके माटी उगलवाते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, ऐसा क्या उन लोगों ने तप किया
जिसके कारण नंद यशोदा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये था राजा परीक्षित का प्रश्न। सुखदेव जी ने कहा कि उन्होंने कोई तपस्या नहीं की थी। जब प्रजापति ने उनसे कहा कि तुम लोग नरकलोक में जाओ, तो उन्होंने कहा कि महाराज हम वहां जाके किसी के प्रेम में फंस न जाए, भगवान के साथ हमारा प्रेम हो। प्रजापति ने कहा एवं अस्ति, ये महापुरुष का आशीर्वाद हुआ। भगवान बेटा कैसे बनते हैं, नार कैसे जलाया जाता है, भगवान को बांधा कैसे जाता है, इसमें कोई पूर्ण कोई तपस्या कारण नहीं है, महापुरुष का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा कारण है। एक बात देखो, इतने ही नहीं, इस प्रसंग में इस बात पर ध्यान दो कि नल कुबेर तरीके धन कुबेर के बेटे, धनी पेट के बेटे थे, वो धन कुबेर के बेटे थे, और मृत्यु विभाग के जो मिनिस्टर हैं रुद्र उनके चमचे थे, रुद्रानुचर एक जवानी शराब पीते थे, परस्त्रियों के साथ विहार कर खुले में मैदान में न लाज न शर्म, बड़े बारी पापी थे। नारद जी ने कहा जैसा आज से तुम्हारा पाप दंड और हमारे धर्म स्मृति का तुम्हारे अंतकरण में आदर भाव, और श्री कृष्ण आकर तुमको इसे सुनाएंगे। इतने बड़े पापियों का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण रस्सी में उखल से बांध के उखल को घसीटते हुए आए। कृष्ण ने उद्धार नहीं किया, उनके कमर में बंधी हुई रस्सी ने उद्धार नहीं किया, उस रस्सी से बंधा हुआ जो एक खल था, उखल था, उसने उनका उद्धार कर दिया। ये महापुरुष के आशीर्वाद की दो घटनाएं आपके ध्यान में आनी चाहिए, अगर उखल बंधन लीला आप सुनते हैं पढ़ते हैं तो। अब तीसरी बात देखो, यशोदा मैया बड़ी मत रहे हैं, भक्त हैं, भगवान भगवान के पास जाने से नहीं मिलते, भगवान भक्त के पास जाने से मिलते हैं, क्योंकि जहां भक्त होता है वहां भगवान मरराते रहते हैं। कृष्ण की सेवा नौकरों के द्वारा नहीं स्वयं करते हैं। एकदा गृहदासी यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासु, लीला नहीं सुनाना चाहते हैं, आपको उसका सिद्धांत सुनाना चाहते हैं, क्योंकि हाँ मैंने सुना बड़े बड़े विद्वान बैठते हैं तो कहेंगे बच्चों की कहानी सुनाने लगे, आती है कभी कभी ऐसी है, आप उसका सिद्धांत देखिए। ये सेवा का सिद्धांत है, माँ को नौकर की सेवा से बच्चे की नौकर सेवा करते हैं उससे माँ को संतोष नहीं होता है, सीखने की बात है। सब जातियों को कर दिया अलग, स्वयं अपने हाथ से दही मत रही है, पसीना है शरीर पर, मालती के फूल गिर रहे, श्रृंगार गुजर रहा है, फिर भी जाती जाती है, श्री कृष्ण की याद करती जाती है, हाथ से सेवा हो रही है, वाणी से गुणगान हो रहा है, और हृदय में स्मृति है, भक्त है मैया। अच्छा, मैया कृष्ण के पास नहीं गई, कृष्ण मैया के पास आए, आप निराकार के पास पहुंचिएगा,
किसी योगी को गुरु बना के समाधि लगा के और निराकार का चिंतन करके आप जाइएगा निराकार के साथ। हमारा साकार ऐसा है जो स्वयं भक्त के पास आता है। और आया कैसे, अब आने का सिद्धांत आपको सुनाते हैं। जब भक्त के हृदय में सेवा का ऐसा भाव है, इतनी स्मृति है, इतना दान है, तब भगवान का सिंहासन न डोले तो कब डोलेगा। काम स्तन्य काम आसाध्य मथनंतीम जननीम हरी ओ मनोहारी हरी भक्त हृदय बिहारी हरी। जो आप काम है, अकाम है, आत्मा राम है, उनके मन में कामना उठी। क्या कामना उठी? कि मैया का दूध पिए, नारायण को कभी मां का दूध पीने को नहीं मिला, शिव को भी कभी मां का दूध पीने को नहीं मिला, ब्रह्म को तो मिले गई कहां से, न मां न बाप और न मोह न दूध अनस्मो अभिचाकती थी न तदस्नाती किंचन न तदस्नाति कश्चन। ब्रह्म को मां का दूध मिलेगा, नारायण को मिलेगा, शिव को मिलेगा, अरे बड़ी दुर्लभ वस्तु है। हम तो जब आजकल की माताओं को देखते हैं ना, तेरे कठिन है और भाई, तेरा दूध बाप बेटे के मुंह में नहीं जाएगा तो तेरा संस्कार, तेरी संस्कृति, तेरा भाव बेटे में आएगा कहां से। वो तो गोवानी आया आती है मंदिर में, न जाने किस जात की, क्या रंग, क्या रंग, क्या खाना, क्या पीना, क्या संस्कार, बच्चों को दूध पिलाते हैं। नहीं तो डब्बे का आता है विदेशों से, अपने दिल को बच्चे के दिल में भेजना हो तो मां का दिल दूध में बैठ के बच्चे के हृदय में जाता है। हमने तो सुना की पढ़ा, डॉक्टर लोग बताते हैं कि बच्चे के लिए मां का दूध जितना उपयोगी होता है उतना और कोई दूध नहीं होता है। अब देखो, मां मां का दूध पीना चाहते हैं कृष्ण और मक्खन निकालना चाहती है मैया। मैया के प्रेम को, हृदय को देखकर श्री कृष्ण के हृदय में उठती है कामना। देखो ये भगवान है, और कामना नहीं उठती है आके उसका दूसरा काम रोककर, गई मतला रोककर, स्वयं उसकी गोद में चढ़कर उसका दूध पीते हैं। ये मैया की भक्ति नहीं, ये भी नहीं समझ। मैया मैया ने कभी चतुर्भुज नहीं देखा, मैया ने कभी चतुर्भुज नहीं देखा है, देवी वसुदेव ने चतुर्भुज देखा है, मैया ने चतुर्भुज नहीं देखा है। अगर दूध पिया भी मैया की गोद में बैठते, और जब मिलने में बाधा पड़ी तो अतृप्ति हुई और लोभ हुआ, और लोभ में बाधा पड़ी तो क्रोध आया, और क्रोध आया तो मटका खोल दिया और दम्भ की आंसू भर लिए आंख में, दम्भ कर लिया और जाके माखन खाने लगे चोरी से, चोरी भी की। और जब मैया डंडा लेके आई तो भागे तो पकड़े गए, और पकड़े गए तो बांधे गए। अच्छा सोचो, ऐसा भगवान दुनिया में, ईश्वर ईश्वर करने वाले बहुत होते हैं, ब्रह्म ब्रह्म करने वाले बहुत होते हैं, ऐसा प्रेम पर्वत भगवान, ऐसा प्यार का बंदी भगवान, जो अपने भक्त के लिए काम, क्रोध, लोभ, दंभ, चोरी, चलायन, भय और बंधन तक स्वीकार करता है अपने भक्त के उद्धार के लिए, वो भगवान जो हमारे घर में आता है,
हमारा रिश्तेदार बनता है, हमारा बच्चा बनता है, वो भगवान दुनिया में कहाँ है? कहीं से ढूंढ के लेकर आओ। अरब में ऐसा भगवान पैदा होता है कि यूरोप में ऐसा भगवान पैदा होता है कि अमेरिका में ऐसा भगवान पैदा होता है कि ब्रह्म समाज में ऐसा भगवान पैदा होता है? यदि भगवान की करुणा न हो तो मूर्ख का उद्धार नहीं हो सकता। भगवान की करुणा न हो तो पापी जो है वो पुण्यात्मा नहीं हो सकता। जो पिछड़ा हुआ है वो आगे नहीं बढ़ सकता। जो पतित है उसका उत्थान नहीं हो सकता। ये भगवान की करुणा है कि बंधन तक स्वीकार करके और प्राणियों को अपनाते हैं। ऐसा देखो तो एक हुआ महापुरुष का आशीर्वाद, एक हुई माँ की प्रीति, एक हुई भगवान की करुणा। अब एक देखो और लोगो सावधान, ईश्वर के मन में भी जब काम आता है तो लोभ होता है, और लोभ होता है तो क्रोध होता है, और क्रोध होता है तो हिंसा होती है, और हिंसा होती है दंभ होता है, दंभ होता है रोना पड़ता है, रोना पड़ता है चोरी आती है, चोरी आती है डर आता है, डर आता है बंधन बढ़ने पर। सावधान, इन दोषों को अपने जीवन में मत आने देना। जब ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं तो तुमको कहां से छोड़ेंगे? देखो एक दृष्टिकोण, महापुरुष का आशीर्वाद, यशोदा मैया का प्रेम, श्री कृष्ण की करुणा, लोगों के लिए आदर्श, और सुना क्यों बढ़ गए भगवान? साफ साफ श्रीमद् भागवत में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह प्रसंग आया है। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृतयासीत् स्ववन्दने स्वमातस्मिन् गात्रायाः विस्रक्तकवरस्पृदः। दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृतयासीत् स्ववन्दने। मैया पसीना पसीना हो गई, उसके फूल उसके श्रृंगार बिगड़ गए, मैया थक गए, और कृष्ण ने कहा कि अब मैं निर्गुण बना रहा हूं। और निर्गुण माने निर्बंध, रस्सी कमर में लगे तब तो सगुण, और रस्सी कमर में ना लगे तो निर्गुण, गुण माने रस्सी होता है। यदि भक्त भगवान को बस में न कर सके, भक्त की भगवान कोई सुने ही नहीं, अपने मन की करते जाए, तो क्या हो? नहीं, अपने मन की भगवान नहीं करते हैं, अपने भक्त के मन की भगवान करते हैं। जब भक्त हाथ और भगवत हाथ, भगवान का हाथ और भक्त का हाथ जब आपस में टकराते हैं तो जो बुद्धिमान होता है वो अपना हाथ छोड़ देता है। भगवान बड़े समझदार हैं। बुद्धे फलन अनाग्रह, बुद्धिमान आदमी जिद्दी नहीं होता है। भगवान कहते हैं हमारी जिद्द टूट जाएगी तो हमारा क्या बिगड़ेगा, लेकिन भक्त की जिद्द टूट जाएगी तो कोई हमारी भक्ति नहीं करेगा। तो भक्त और भगवान के हक में भक्त का हक ही हमेशा विजयी होता है। लड़ गए महाराज कौन? तो भगवान के गुण व्यापकता कहे भगवान की मैं बनूंगी, असंगता कहे भगवान की मैं बनूंगी, अद्वितीयता कहे भगवान की मैं बनूंगी, न मुझमें देश है न काल है मैं बनूंगा, न मुझमें वस्तु है न अन्य है न जड़ है, कौन व्यक्ति हमको बांधने वाली है? ये भगवान का, भगवान के स्वरूप का अर्थ था। भगवान की करुणा कहती थी कि नहीं नहीं, हम तो प्रभु को, हम जानते हैं कि प्रभु का कोष बिगड़ने वाला है, इनको बस जाने दो। जोरों की हुई पंचायत, उनका स्नेह कहे, करुणा कहे, भक्ति कहे, प्रेम कहे, प्रभु बस जाओ,
असंगता कहे, व्यापकता कहे, अद्वितीयता कहे, नहीं मत बंधो। तो भगवान के सब गुणों की पंचायत बैठी, वो एक अध्यक्ष सुनो, परम भास्वती भगवती करुणा को कृपा को प्रेसिडेंट बनाया गया और उसने निर्णय लिया दो चीज तो चाहिए है, एक तो भक्त अपनी पूरी शक्ति लगा दे और एक भगवान की करुणा उमड़ पड़े। जब शिष्य की श्रद्धा और गुरु का अनुग्रह ये दोनों जब मिलते हैं तो गुरु का सारा उत्तराधिकार शिष्य को मिल जाता है, शक्तिपात हो जाता है, तत्काल चेला गुरु हो जाता है। गुरु नहीं होता, भगवान हो जाता है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता, परमात्मा का स्वरूप बना देता है। जहां भक्त की श्रांति, जो कुछ करना था तो कर चुका और भगवान की करुणा दोनों मिली, वहां भगवान भक्त के बस में। देखो ये दृष्टिकोण है। अच्छा, अब एक और बात, पांचवी बात को आप जिस लीला को जानते हैं, खुद जानते हैं, उसी के बारे में सुना रहा हूं। बाधा किसने, मैया ने सगुण बना दिया है, गुण मानो रखती, भगवान को भक्त बांध सकता है, भक्त एकदम बसायती, भक्ति भगवान को वश में कर लेती है। जैसे सती स्त्री सज्जन पुरुष को अपने वश में कर ले, सज्जन पति को अपने वश में कर ले, वैसे भक्ति अपने पति भगवान को अपने वश में कर लेती है। कैसे, सेवा से, दशी कुर्वन्ति माम भक्तिया सत स्त्रिया सत पतिं जथा, यशोदा मैया ने सगुण बनाया, इसी से उसको यशोदा बोलते हैं। यशांसी ददाति, श्री कृष्णाय जो कृष्ण को यश देती है, सारा यश तो भगवान में पहले से है, बोले हाँ सारा जस है, पर किसी भक्त ने कमर में रस्सी लगा के दामोदर बना दिया, ये जस नहीं है। आज लो, भक्त की भक्ति में वो बल है कि भगवान के कमर में एक रस्सी लगा के बांध सकता है। ये जस दिया यशोदा ने। जीवो ने कहा था कि प्रभु हम बद्ध हैं और तुम मुक्त हो, और उधर वेद कहता है कि जीव और ईश्वर सखाए, स्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, वेद तो कहता है कि जीव और ईश्वर सखाए, लेकिन हम कैदी सखाए और तुम मुक्त सखा हो, ऐसा क्या सत्य, ये क्या मित्रता, हम नरक में पड़े पड़े पड़ रहे हैं और तुम वैकुंठ का सुख भोगो, यही सत्य है। भगवान बोले ना भाई, मेरे प्यारे भाई, तुम बंधे हो तो मैं भी बंधता हूं, ये भगवान का सत्य है। यशोदा मैया ने वो दस दिया भगवान को कि भक्त के हाथों भगवान बंध जाते हैं, और नंद बाबा ने ये देखो, दोनों में से किसी के घर में चतुर्भुज होकर नहीं आए थे, नंद बाबा के सामने कभी चतुर्भुज हुए, न यशोदा मैया के सामने। नंद बाबा ने आके खोल लिया हो, अब देखो इसमें क्या निकला कि भगवान में न बंधन है न मुक्ति है। न स्वतोस्ति मम बंधनम क्वचित, न स्वतोस्ति मम गोमोचनम क्वचित, अन्येव मम बंधको भवेत्, अन्येव मम मोचको भी च। दूसरे लोग मुझ में बंधन का आरोप करते हैं, अध्यारोप करते हैं, और दूसरे लोग मुझ में बंधन का अपवाद करते हैं, न मेरे स्वरूप में बंधन है न मुक्ति। ये पांचवा दृष्टिकोण होगा।
भागवत भगवान में बंधन और मुक्ति दोनों नहीं मानता, ये भागवत का सिद्धांत है। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ देवनाम नान्यौ स्तरितज्ञ भावा अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी। हम लोगों की आंख के सामने एक बार दिन आता है, एक बार रात आती है कि नहीं? अब जरा सूर्य से पूछो कि महाराज दिन कब होता है, रात कब होती है? विचार जमाने तरणाविवाहनी, विचार करो सूर्य में दिन है कि रात है? तो सूर्य में न दिन है न रात है। इसी प्रकार जब तक परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक उसमें संसार का बंधन है और संसार का मोक्ष है। ये जीवात्मा के भाव के सिवाय और कुछ नहीं है। अज्ञान संज्ञौ भवबंध मोक्षौ गुणावनान्यौस्त ऋतज्ञ भावात् अजस्त्र चित्त्यात्मनि केवले परे। अजस्त्र चित्त स्वरूप है, केवल है, पर है, उसमें कहां बंधन कहां मोक्ष। यशोदा मैया ने बंधन बना दिया और नंद बाबा ने छोड़ दिया। लेकिन आप देखो ये बंधन किस लिए बना, उसका भी प्रयोजन है। सच्ची बात देखो, ईश्वर का बंधन दूसरों के को बंधन से मुक्त करने वाला है। छठी बात, स्वयं भगवान बंध गए और जो कुबेर कुबेर के नल कुबेर मणिग्रह दोनों बेटे पेड़ के रूप में जड़ता के रूप में बंधे हुए थे, उनका देवत्व जड़ता से आच्छादित हो गया था और वे अपनी जवानी के नशे में, धन के नशे में, अधिकार के नशे में उन्मत्त होकर, नग्न होकर, निरावरण, न वेद न शास्त्र न धर्म, जो वेद शास्त्र धर्म को नहीं मानता उसी को नग्न बोलते हैं। पद्म पुराण में ये बात बताने के लिए पांच अध्याय है। ये जो छंदस है, साधनात्मक छंद, ये जिसके जीवन में नहीं है वो नग्न है। वो नग्न होकर कुकर्म कर रहे थे, शराब के नशे में, दान के नशे में, जवानी के नशे में। नारद जी ने उनको पेड़ बना दिया, बंध गए, जड़ता से आच्छादित हो गए और भगवान बंधे तो उनको खोल दिया। भगवान का बंधन किसके लिए? भगवान का बंधन जड़ को मुक्त बनाने के लिए, जड़ को चेतन बनाने के लिए, अभक्त को भक्त बनाने के लिए, दूर को निकट करने के लिए, देह को सबेर बनाने के लिए, दूसरे को अपना बनाने के लिए भगवान का बंधन। तो हमने ये बात आपको क्यों सुनाई? आप भगवान की लीला पढ़ें, उसको सुने, तो हल्के फुल्के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ें, नहीं सुने हैं। उसमें इतना गंभीर दृष्टिकोण है कि आपके व्यवहार से लेकर समग्र साधनाओं को लेकर महापुरुष का आशीर्वाद चाहिए, दुर्गुण दुराचार का त्याग चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की कृपा आनी चाहिए और भगवान की करुणा को देखना चाहिए और नारायण भगवान के स्वरूप को देखना चाहिए। एक लीला मैंने केवल उदाहरण, केवल दृष्टांत के रूप में आपको सुनाई। भगवान की सारी लीलाओं में ही बड़ा गंभीर दृष्टिकोण होता है, उसको दस्तानी नजर से देखकर हंसी उड़ा देना ये कोई बुद्धिमान पुरुष का काम नहीं है, प्रेक्षावान पुरुष का काम नहीं है। आपकी समझ में आवे तो ठीक, जो समझ में ना आवे उसको समझदारों से पूछिए, उसको जानिए,
उसको समझिए, देखिए वो आपके लिए कितनी कल्याण करने वाली लीला है। अच्छा भाई, कल और सुना देंगे आपको।